2023 में झारखंड सरकार के द्वारा जो टीचर वैकेंसी निकला था, तो वो टीचर वैकेंसी तो फिर पहले कैंसिल हुआ, फिर हम लोगों ने देखा कि सीटेट को वैलिड कर दिया गया। मतलब आप झारखंड में जो डीएलएड यानी टीचर्स ट्रेनिंग किया हुआ है, साथ में अगर कोई बीएड भी किया हुआ है और अगर उसने सीटेट पास किया हुआ है 2016 के बाद, क्योंकि जेटेट हुआ नहीं था, इसीलिए झारखंड सरकार के जो सहायक टीचर का बहाली था उसमें हाईकोर्ट ने क्या कर दिया, सीटेट को वैलिड कर दिया। इस आधार पर जो जनवरी में 12 तारीख को एग्जाम होने वाला था वो एग्जाम तो हुआ नहीं। तो अब क्या हुआ है ना, झारखंड सरकार ने यह नोटिफिकेशन जारी किया, इस आधार पर अब अनुमानित डेट दे दिया गया है कि 12 फरवरी को 2024 को झारखंड सहायक आचार्य का नियुक्ति का एग्जामिनेशन होगा। इसमें दो तरह के टीचर वैकेंसी है। पहला क्या है ना, पीआरटी है। पीआरटी एक्चुअली क्या है ना, एक क्लास से लेकर के 5 क्लास तक का अगर किसी को शिक्षक बनना हो तो उसके लिए उसको पीआरटी का एग्जाम देना हो। ओके, एंड एक हमारे पास है टीजीटी। टीजीटी होगा एक्चुअली पोस्ट ग्रेजुएट टीचर होगा। ये हम लोग के पास क्या होगा, 6 क्लास से लेकर क्लास के 8 क्लास, यानी 6 से लेकर के 8 क्लास तक का अगर कोई टीचर बनना चाहता है तो उसको टीजीटी वाला देना होगा। ओके, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे जो 1 to 5 और 6 to 8 में, उसमें एग्जामिनेशन पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंस है। कैसे ना, 1 to 5 में पेपर 1 है, पेपर 2 है एंड हमारे पास एक पेपर उसका 3 है। पीआरटी में सिर्फ 3 ही पेपर है, जबकि हमारे पास टीजीटी के पास एक और पेपर एक्स्ट्रा होता है जिसका नाम हो जाएगा पेपर 4। पेपर 1 पेपर 2 लैंग्वेज के लिए है, एक रीजनल लैंग्वेज 1 रीजनल लैंग्वेज 2 है। पेपर 3 वो करंट अफेयर्स जीएस वगैरह जीके ये सब चीजों से संबंधित है। एंड पेपर 4 जो होगा वो हम लोग का क्या होगा ना, सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा। ये होगा एसएसटी के लिए, साइंस टीचर के लिए एंड हमारे पास क्या हो जाएगा, लैंग्वेज टीचर के लिए। एसएसटी के लिए कुछ उसके सब्जेक्ट्स है, साइंस टीचर के लिए उसके कुछ सब्जेक्ट्स है, लैंग्वेज टीचर के लिए। ओके, तो अगर कोई पीजीटी में 6 to 8 क्लास का साइंस का टीचर बनना चाहता है तो उसे 5 सब्जेक्ट में से किन्हीं 3 सब्जेक्ट में एग्जामिनेशन देना होगा। वो क्या क्या है, एक होगा फिजिक्स, एक केमिस्ट्री, एक मैथमेटिक्स, एक बायोलॉजी और एक हमारे पास क्या हो जाएगा, बायोलॉजी में 2 सेक्शन आएंगे, बायोलॉजी का ही एक हो जाएगा जूलॉजी और एक हो जाएगा बॉटनी। 5 हमारे पास सब्जेक्ट होंगे। कोई अगर साइंस टीचर बनना चाहता है क्लास 6 से लेकर के 8 क्लास तक के लिए, तो चौथा जो पेपर होगा उसमें 5 सब्जेक्ट होंगे। 5 सब्जेक्ट में किन्हीं 3 सब्जेक्ट में एग्जामिनेशन देना है। पर जब फॉर्म भरा जाएगा तो उसमें ऐसा कोई ऑप्शन नहीं होगा कि फिजिक्स देना है, केमिस्ट्री देना है, मैथ देना है। 5ों में से कोई भी 3 सब्जेक्ट का एग्जामिनेशन देना होगा। फिजिक्स हो सकता है, केमिस्ट्री, मैथ वगैरह, बॉटनी एंड जूलॉजी। जनरली सब अपना ऑनर्स का सब्जेक्ट ही रखता है। ओके, तो हम लोग के पास टोटल कितने सब्जेक्ट हो गए ना, पेपर 4 में जो साइंस टीचर बनना चाहता है उसके लिए 5 सब्जेक्ट होगा और 5 सब्जेक्ट में से किन्हीं 3 सब्जेक्ट में एग्जामिनेशन देना होगा। ओके, सो ये हम लोग का जो अभी जो आज शुरू होने जा रहा है, ये टारगेट सीरीज 1 होगा। मतलब हम लोग क्या करेंगे ना, 12 फरवरी तक का एक टारगेट लेके चलेंगे जिसमें हम लोग बहुत सारे चीजों को कवर अप करने का कोशिश करेंगे जो कि एग्जाम परस्पेक्टिव में इम्पोर्टेंट होगा। ओके, आज हम लोग देखेंगे, थोड़ा बहुत सिलेबस देख लेते हैं फिजिक्स। तो ये हम लोग का फिजिक्स का सिलेबस होगा जिसमें हम लोग को क्या क्या पढ़ना है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले जनरल फिजिक्स पढ़ना है जिसमें वेक्टर्स एंड उसके प्रॉपर्टीज आएंगे। दूसरा रिलेटिव वेलोसिटी है, प्रोजेक्टाइल मोशन है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, वर्क एनर्जी एंड पावर है, ग्रेविटेशन है, एस्केप वेलोसिटी, केप्लर्स लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन, एलिमेंट्री आइडिया ऑफ सरफेस टेंशन, एंगल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, विस्कोसिटी। ओके, एलिमेंट्री आइडिया उसके बारे में पढ़ना है उसके। एंड हमारे पास रिलेटिविटी में स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पढ़ना है, लॉरेंट्ज़ ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ना है, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, टाइम डायलेशन, वेलोसिटी डिपेंडेंस ऑफ मास, मास एनर्जी इक्विवेलेंस। ओके, इसके बाद हमारे पास हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग क्या पढ़ना है ना,
इन थर्मोडायनामिक काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, फर्स्ट लॉ, आइसोमेरिक थर्मो रिएक्शन, एडियाबेटिक हमारे पास प्रोसेस, रिवर्सेबल इरिवर्सेबल प्रोसेस, सेकेंड लॉ कार्नोट इंजन और उसकी एफिशिएंसी। ओके, साथ में इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स में हमारे पास सिंपल एंड कंपाउंड माइक्रोस्कोप, हाइगेंस प्रिंसिपल, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, जिसका सिर्फ एलिमेंट्री आइडिया ही हम लोग को डिस्कस करना है। एंड देन हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक्स एंड मैग्नेटिज्म में गॉसेस थ्योरम एंड एप्लीकेशंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, फील्ड एट ए पॉइंट, कैपेसिटर्स, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, मैग्नेटिक हिस्टेरेसिस, क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स। ओके, एंड देन हमारे पास है करंट इलेक्ट्रिसिटी में किरचॉफ्स लॉ, व्हीटस्टोन ब्रिज है, हमारे पास हीटिंग इफेक्ट है, बायोट सेवर्ट लॉ, फैराडेज लॉ एंड हमारे पास लेंजेज लॉ, ये हम लोग को डिस्कस करना है। एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स में एटॉम, बोर थ्योरी, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एंड श्रोडिंगर इक्वेशन। ओके, एंड देन इलेक्ट्रॉनिक्स में हमारे पास इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, पीएन जंक्शन डायोड, जेनर डायोड, हाफ एंड फुल वेव रिएक्टिफायर, ट्रांजिस्टर्स होंगे हमारे पास और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, साथ में डेसिमल एंड बाइनरी सिस्टम्स एंड देयर इंटर्न कन्वर्जन, बेसिक लॉजिक एंड ट्रुथ टेबल एंड साथ में बुलियन एलजेब्रा। हम लोग को फिजिक्स में इतना ही डिस्कशन करना है, यही हम लोग का फिजिक्स का सिलेबस। ये सिर्फ एक पेपर हुआ, ऐसे ही हमारे पास क्या क्या पेपर है, जैसे कि देख सकते हैं ये मैथमेटिक्स का है, हालांकि मैथमेटिक्स का हम लोग डिस्कशन करेंगे जब वन बाय वन क्लास चलेगा, तो इसमें देख सकते हो सेट थियोरी होगा, थियोरी ऑफ इक्वेशन, डिफरेंशियल कैलकुलस होगा एंड इंटीग्रल कैलकुलस है, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री है। ओके, कोऑर्डिनेट थ्री डायमेंशनल जियोमेट्री है एंड हमारे पास ट्रिगोनोमेट्री है। इसी तरह से हम लोग के पास ये बॉटनी का होगा, जिसमें प्लांट्स, एनिमल्स, सेल स्ट्रक्चर्स, डीएनए, प्लांट टिश्यूज, माइटोसिस, सेप्रोफाइट, पैरासिटिक, ट्रांसपीरेशन, इन सब चीजों के बारे में डिस्कशन करना है। हम लोग वन बाय वन सिलेबस को डिस्कशन करेंगे। ओके, आज हम लोग क्या करेंगे ना, फिजिक्स से शुरुआत करते हैं और फिजिक्स में देखें हम लोगों ने क्या क्या था। हम लोग के पास फिजिक्स में मेन क्या क्या था, पहला जनरल फिजिक्स, यहीं से हम लोग स्टार्टिंग करेंगे, वेक्टर्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज तो देखेंगे। ओके, तो नाउ आज हम लोग जो देखने वाले वो क्या था, फिजिक्स का वेक्टर एंड इट्स प्रॉपर्टीज। वेक्टर एंड इट्स प्रॉपर्टीज को हम लोग समझेंगे, उससे हम लोग को ये जानना होगा कि फिजिकल क्वांटिटी किसे कहते हैं। किसी भी क्वांटिटी यानी किसी का भी अमाउंट को फिजिक्स में, खास करके हम लोग के पास फिजिक्स या क्या है साइंस में, जब कभी भी कोई भी हमारे पास क्वांटिटी हो, क्वांटिटी मतलब यहाँ पे हो राशि, राशि बोले या क्वांटिटी बोले बात बराबर है, जब किसी क्वांटिटी को हम लोग न्यूमेरिकली डिस्क्राइब कर सकते हो या तो डायरेक्टली या तो इनडायरेक्टली, तो उस समय उसे हम लोग क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। यहाँ पे फिजिक्स में हमारे पास दो तरह के फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं, एक हमारे पास स्केलर क्वांटिटी होता है और एक हमारे पास क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो फिजिकल क्वांटिटीज को हम लोगों ने कितने वर्गों में बांटा, दो वर्गों में, एक क्या हमारे पास है स्केलर क्वांटिटी और एक हमारे पास क्या है ना, वेक्टर क्वांटिटी। अब अगर हम लोग को कोई पूछे कि स्केलर क्वांटिटी किसे कहेंगे, तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए हमें कुछ पैरामीटर्स का जरूरत पड़ता है और वो पैरामीटर्स तीन जो है, एक हमारे पास क्या होता है ना, मैग्नीट्यूड बोलेंगे, जिस मैग्नीट्यूड हमारे पास न्यूमेरल वैल्यू होता है और यूनिट होता है। यानी जब किसी फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग एक्सप्रेस करते हैं तो हमारे पास मेनली तीन पैरामीटर्स होता है, जिनमें से दो पैरामीटर तो फिक्स है, मैग्नीट्यूड में आता है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू होता है और एक यूनिट होता है, और दूसरा हमारे पास क्या होता है, डायरेक्शन होता है। तो जब हमारे पास ऐसा क्वांटिटी हो जिस क्वांटिटी का सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, ऐसा क्वांटिटी जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। यहाँ पे मैग्नीट्यूड का मतलब कोई न्यूमेरल वैल्यू होगा या साथ में उसका कोई यूनिट होगा। जैसे अगर किसी का मास लिया हुआ है 10
10 kg। तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि ये 10 kg नहीं बोल रहा है कि ईस्ट में है कि वेस्ट में है कि किधर भी है, ये बस 10 kg बोल रहा है, एक अमाउंट दिया हुआ है, जिसमें से ये 10 क्या है न्यूमेरल वैल्यू और ये केजी क्या है यूनिट है। तो हम लोग जब कभी भी किसी फिजिकल क्वांटिटी को केवल न्यूमेरल वैल्यू और यूनिट से एक्सप्रेस करते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं ना, वो हम लोग का एक सिर्फ और सिर्फ स्केलर क्वांटिटी हो। ओके, एंड नाउ अगर हम लोग दूसरा देखें कि ऐसा कोई कंडीशन हो जैसे कि हम लोग के पास 10 meter towards हम लोग अगर ऐसा देखें ना 10 meter towards east, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे 10 तो है न्यूमेरल वैल्यू, मीटर है यूनिट और साथ में हमारे पास क्या है डायरेक्शन। अगर मेरे पास ऐसा कोई क्वांटिटी हो जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो और साथ में डायरेक्शन भी हो तो उसको हम लोग किस में रखते हैं ना, वेक्टर क्वांटिटी में। जनरल डेफिनेशन यही होगा कि स्केलर क्वांटिटी उस क्वांटिटी को कहेंगे जिसका केवल मैग्नीट्यूड होगा, यानी उसका सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरल वैल्यू होगा एंड यूनिट होगा, सेंस ऑफ डायरेक्शन नहीं होगा। किंतु वेक्टर क्वांटिटी उसे कहेंगे जिसका न्यूमेरल वैल्यू होगा, मैग्नीट्यूड भी होगा एंड साथ में डायरेक्शन भी होगा। इसमें हम लोग देखेंगे मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन होता है और इसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है। ओके, स्केलर क्वांटिटी का जो जनरल बातें होता है जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिविजन, ऐसे कुछ भी हमें करना होता है जनरल रूल से होते हैं। ये जो तीन हमारे पास, तीन चार हमारे पास जो मैथमेटिकल बेसिक फंक्शंस होते हैं, क्या क्या हमारे पास है, डिविजन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये स्केलर क्वांटिटीज में हम लोग जनरल रूल्स में करते हैं जैसे हम लोग एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं वैसे। लेकिन वेक्टर क्वांटिटीज में इनका एडिशन सब्ट्रैक्शन डिविजन मल्टीप्लीकेशन थोड़ा सा अलग होता है स्केलर क्वांटिटीज के तुलना में। और स्केलर क्वांटिटीज में हम लोग देखें तो जनरली पैरामीटर्स का अगर बात करेगा तो इसके पास सिर्फ दो ही पैरामीटर्स होते हैं, न्यूमेरल वैल्यू प्लस यूनिट। लेकिन जो वेक्टर क्वांटिटी होता है उसके पास कितने पैरामीटर्स होंगे, न्यूमेरल वैल्यू, यूनिट एंड हमारे पास डायरेक्शन होगा। ओके, नाउ ऐसे तो फिजिकल क्वांटिटीज बहुत सारे हैं, किंतु कुछ फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो हमारे पास स्केलर होते हैं एंड कुछ फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो हमारे पास क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटीज होते हैं। नाउ हम लोग देखते हैं कौन कौन से स्केलर होते हैं और कौन से वेक्टर क्वांटिटी। हमारे पास एक लिस्ट है ये सभी स्केलर क्वांटिटीज का नाम से, जैसे सबसे पहला हमारे पास क्या होगा मास, मास एक स्केलर क्वांटिटी है। सेकंड हमारे पास क्या है डिस्टेंस, थर्ड हमारे पास क्या है टाइम, उसके बाद हमारे पास स्पीड, वॉल्यूम, डेंसिटी, प्रेशर, वर्क, एनर्जी, पावर, चार्ज, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, पोटेंशियल, स्पेसिफिक हीट एंड फ्रीक्वेंसी, ये हम लोग के क्या है ना स्केलर क्वांटिटीज। पर ज्यादातर एग्जाम्स में यही सब आते हैं वेक्टर से रिलेटेड जो सवाल होते हैं कि इनमें से कौन सा स्केलर है, कौन सा वेक्टर है या फिर कौन नहीं है, इस आधार पर सवाल पूछे जाते हैं। तो हमने देखा मास है, डिस्टेंस है, टाइम, स्पीड, वॉल्यूम, डेंसिटी, प्रेशर, वर्क, एनर्जी, पावर, चार्ज, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, पोटेंशियल, स्पेसिफिक हीट एंड फ्रीक्वेंसी, ये सब क्या होता है हमारे पास स्केलर क्वांटिटीज होते हैं। ओके, अब ये सब स्केलर क्वांटिटीज है, मतलब अगर हम लोग यहाँ से कोई भी एक उदाहरण उठाते हैं जैसे टेम्परेचर, अगर कोई हम लोग से पूछे क्या ये हमारे पास एक फिजिकल क्वांटिटी है, तो हाँ सबसे पहला आंसर तो होगा ये फिजिकल क्वांटिटी है। ना दूसरा सवाल पूछे अगर कि टेम्परेचर किस तरह का क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी या वेक्टर क्वांटिटी, तो इसका आंसर क्या होगा स्केलर क्वांटिटी। एंड नाउ तीसरा इससे सवाल ये हो सकता है कि ये जो टेम्परेचर है जो कि एक स्केलर क्वांटिटी है, इसको कितना पैरामीटर्स चाहिए एक्सप्रेस करने के लिए, तो हमारे पास दो पैरामीटर्स चाहिए, एक क्या होगा न्यूमेरल वैल्यू और दूसरा क्या होगा यूनिट। जैसे एक एग्जांपल उठाते हैं, हमारे पास अगर लिखा रहा है 10 केल्विन, लेट अस अज्यूम हमारे पास 10 केल्विन लिखा हुआ है टेम्परेचर, जहां पर 10 क्या होगा न्यूमेरल वैल्यू, केल्विन क्या हो जाएगा यूनिट, हम लोग ये दोनों चीज से ही टेम्परेचर को एक्सप्रेस करेंगे, तो इसीलिए टेम्परेचर क्या हो जाएगा स्केलर क्वांटिटी। ऐसे हमारे पास और एक टू एग्जाम्पल उठाते हैं जैसे फ्रीक्वेंसी, क्या फ्रीक्वेंसी हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है, सेवन वही फिर से वही आएगा कि क्या ये फिजिकल क्वांटिटी है, हाँ है, क्या ये स्केलर क्वांटिटी है, तो ऑब्वियसली ये भी हमारे पास क्वांटिटी है, इसका मतलब इसके कितने पैरामीटर्स होंगे,
दो पैरामीटर्स होंगे और इसके क्या क्या होंगे, तो न्यूमेरल वैल्यू एंड साथ में यूनिट होगा। और एग्जांपल के तौर पर अगर कहीं लिखा रहे टू एच जेड, जहाँ पे टू क्या हो जाएगा न्यूमेरल वैल्यू, एच जेड क्या है ये यूनिट है। हम लोग जानते हैं फ्रीक्वेंसी का जो यूनिट होता है वो हर्ट्ज होता है, वो हेनरिक हर्ट्ज के सम्मान में रखा गया है और इसीलिए एच क्या होता है कैपिटल है। यूनिट में जब कभी भी कोई साइंटिस्ट के नाम से यूनिट रखा जाता है तो हमेशा पहला लेटर क्या होता है, ये हम लोग जानते हैं। जैसे कि हमारे पास न्यूटन में, ये हमारे पास न्यूटन में कैपिटल एन आता है, तो साइंटिस्ट के नाम से जब भी हम लोग यूनिट लिखते हैं कैपिटल में लिखा जाता है। ये हमारे पास इस तरह से सवाल बनते हैं, ऑब्जेक्टिव सवाल इस तरह से हो। ये हम लोग के स्केलर के लिस्ट हुआ। सेकेंड देखते हैं, ऐसा ही हमारे पास ये क्या है वेक्टर क्वांटिटीज का लिस्ट। अब वेक्टर क्वांटिटीज में हम लोग देखेंगे क्या पोजीशन एक वेक्टर क्वांटिटी है। सो पोजीशन मतलब अगर हम लोग यहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाते हैं, ये हमारे पास एक्स है, ये वाई है और यहाँ पे एक पार्टिकल पी है। और अगर हम लोग इस पार्टिकल पी का क्या करें ना पोजिशन निकालने जाए, पोजिशन निकालने का मतलब क्या होगा ना, देखते हैं यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक एक्स एक्सिस में यहाँ पे होगा और एक वाई एक्सिस में यहाँ एक्स और वाई। तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे ना इसका एक्स से भी एक पार्टिकुलर डायरेक्शन है, वाई से भी एक पार्टिकुलर डायरेक्शन है और ओरिजिन से भी एक पार्टिकुलर डायरेक्शन है। तो इसका मतलब ये क्या हो रहा है कि पोजिशन का क्या होगा, एक पार्टिकुलर डायरेक्शन होगा। वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी हुआ जिसका एक पार्टिकुलर डायरेक्शन होगा। ओके, तो पोजिशन का यहाँ पर देखें इस पॉइंट से पार्टिकुलर डायरेक्शन है इसका, इसी तरह से डिस्प्लेसमेंट भी एक पार्टिकुलर डायरेक्शन होगा, वेलोसिटी भी होगा, एक्सलरेशन भी होगा, फोर्स का भी एक पार्टिकुलर डायरेक्शन होता है, वेट का भी होता है, मोमेंटम का भी, इम्पल्स भी, इलेक्ट्रिक फील्ड भी, मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट डेंसिटी। पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सलरेशन, फोर्स, वेट, मोमेंटम, इम्पल्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, करंट, इनमें से कोई भी एक अगर हम उठाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पर हम उठा लेते हैं एक्सेलरेशन। ओके, एक्सेलरेशन क्या होगा, सबसे पहला ये एक फिजिकल क्वांटिटी है, दूसरा वेक्टर क्वांटिटी है, तीसरा इसको एक्सप्रेस करने के लिए हमको तीन पैरामीटर्स का जरूरत पड़ेगा। क्या क्या पैरामीटर्स है, न्यूमेरल वैल्यू, यूनिट एंड साथ में हमारे पास क्या होगा डायरेक्शन। ओके, एंड जैसे कि हम एग्जाम्पल के तौर पर मान लेते हैं ना हम लोग 10 मीटर पर सेकेंड, ओके 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर टूवर्ड्स ईस्ट, अगर हम ऐसा लिखे तो इसका मतलब क्या होगा ना 10 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, ये तो मैग्नीट्यूड हो गया एंड ये हमारे पास क्या हो गया डायरेक्शन। तो इस तरह से हमारे पास क्वेश्चन आते हैं कि वेक्टर क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए कितने पैरामीटर्स चाहिए। तो किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए हमें मिनिमम बोल सकते हैं दो, हमारे वेक्टर से प्यार है तो तीन पैरामीटर, एक हमारे पास मैग्नीट्यूड और जिसमें हमारे पास डायरेक्शन होगा, लेकिन मैग्नीट्यूड में दो चीज होगा, एक न्यूमेरल वैल्यू और यूनिट होगा। जैसे हम लोग किसी भी चीज जैसे वेट का, वेट अगर कहीं लिखा रहेगा 10 न्यूटन, ओके, और ये जो 10 न्यूटन होता है वेट, वेट पूरी तरह से ग्रेविटी के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि हम लोग का वेट का फॉर्मूला जानते हैं mg, जबकि ये जो जी है हमारे पास ये तो डिपेंड करता है अलग अलग कंडीशन में, जैसे कि ये हम लोग का अर्थ हो गया, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ये हम लोग के पास सेंटर मान लेते हैं, ये इक्वेटर है और ये हम लोग का सरफेस हो जाएगा। हम लोग जानते हैं जी का वैल्यू जो होता है वो सरफेस पे हम लोग का कितना है ना 9.8 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर है। नॉर्थ पोल और साउथ पोल में चूंकि ये बहुत छोटा इलाका होता है, इसका जो हम लोग का जो वैल्यू होता है रेडियस या डिस्प्लेसमेंट कम होता है, इसलिए यहाँ पे जी का वैल्यू बहुत ज्यादा होता है। इक्वेटर बड़ा इलाका है इसलिए जी का वैल्यू कम होता है। जब हम लोग ऊपर की ओर जाते हैं एल्टीट्यूड में जी का वैल्यू घटता है, जब सेंटर पर चले जाएंगे जी का वैल्यू जीरो होगा, जब अंदर की ओर जाएंगे तो जी का वैल्यू क्या होगा अलग अलग होगा। इसका मतलब अर्थ के अलग अलग लोकेशन पे जी का वैल्यू अलग है। तो हम ऐसा कहेंगे जी का वैल्यू जहां जहां चेंज होगा वेट वहीं पे चेंज हो जाएगा। तो वेट एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि अलग अलग लोकेशन अलग वैल्यू देता है। इस तरह से ये हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी के एक्सप्रेशन हुए। अब
हमारे पास एक सवाल उठेगा, क्या इसका मतलब कोई भी क्वांटिटी, जैसे कि मान लेते हैं पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी को हमने लिया, तो यानी अगर डायरेक्शन होगा तो क्या वो वेक्टर क्वांटिटी होगा? मतलब जैसे कि अगर बोला जाए डिस्प्लेसमेंट ले लिया गया और बोला कि चूंकि इसका डायरेक्शन है, चूंकि इसका डायरेक्शन है तो ये वेक्टर क्वांटिटी है, क्या ये बात पूरी तरह से सही होगा? तो ऐसा है कि नहीं, ऐसा जरूरी नहीं कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का डायरेक्शन हो, खास करके स्पेसिफाइड डायरेक्शन भी हो, तो जरूरी नहीं कि वो क्या होगा, एक वेक्टर क्वांटिटी। हमारे पास फिजिकल वर्ल्ड में या फिर फिजिकल क्वांटिटीज के सेक्शन में ऐसे भी कुछ एग्जांपल्स हैं जिनका डायरेक्शन तो है पर वो क्या करते हैं ना, वो वेक्टर क्वांटिटीज के नहीं। ओके, नाउ हम लोग उन्हीं के बारे में देखते हैं। ये चार हमारे पास मेन एग्जांपल्स, ये चारों के चारों हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, ये चारों के चारों हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। ये कॉन्ट्रेरी है जो हम लोग क्या जानते हैं कि कोई भी चीज का अगर मान लेते फिजिकल क्वांटिटी का डायरेक्शन होगा तो वो वेक्टर क्वांटिटी होगा, किंतु ऐसा नहीं। ये एक एक्सेप्शन, हम बोल सकते हैं कि कुछ ऐसे भी फिजिकल क्वांटिटीज है जिनका डायरेक्शन वो फिजिकल क्वांटिटीज वेक्टर क्वांटिटीज नहीं है। उनमें से वो क्या क्या है हमारे पास, एक हो गया टाइम, टाइम का डायरेक्शन होता है, प्रेशर का डायरेक्शन होता है, सर्फेस टेंशन का भी डायरेक्शन होता है, एंड इलेक्ट्रिक करंट का भी डायरेक्शन होता है। तो यहाँ पे हम लोग के पास जो करंट है और सरफेस टेंशन है और हमारे पास प्रेशर है और हमारे पास टाइम है, ये सब क्या होते हैं, ये डायरेक्शन वाले होते हैं लेकिन ये क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटीज नहीं होते। ओके, तो इसका मतलब हम लोग समझे कि ये जरूरी नहीं कि डायरेक्शन हो तो वो वेक्टर क्वांटिटीज होगा, ऐसा कोई भी हमारे पास सियोरिटी नहीं। नाउ ये हम लोग का मेन आज डिस्कशन हुआ जिसमें से हम लोगों ने देखा ना वेक्टर और उसके क्वांटिटीज क्या क्या चीजें होते हैं। एंड नेक्स्ट हम लोग सेशंस में यानी टारगेट सीरीज ये चलेगा, ये टारगेट सीरीज हम लोग का 12 फरवरी मान के चला जाएगा कि 12 फरवरी का फंक्शन होगा, लेकिन जैसा कि हम लोग जानते हैं झारखंड में कब क्या हो तो बोलना बहुत मुश्किल है, लेकिन हम लोग अनुमान करके ये चलें। ओके, तब तक के लिए इस चैनल के साथ जुड़े हुए रहे।